डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे मैंगोस इंपॉर्टेंट वैरायटीज। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने मैंगो की इंपॉर्टेंट हाइब्रिड वैरायटीज को देखा था, जहां पर हमने हाइब्रिडाइजेशन, केजिंग टेक्निक, इन सब को स्टडी किया था। तो आज की इस क्लास में जितनी भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है अदर देन हाइब्रिड वैरायटी, उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे, और साथ ही उस कुछ जो स्पेशल वैरायटीज के करेक्टर हैं उनको भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन वैरायटीज़ को देखेंगे। तो जितनी भी यहाँ लेकर चल रहे हैं नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन वैरायटी, नॉर्थ इंडियन वैरायटी जो होती है वह अल्टरनेट बियरिंग सेल्फ इनकॉम्पेटेबल हैबिट वाली वैरायटी होती है, लेकिन जो साउथ इंडियन वैरायटी है वह है रेगुलर बियरिंग वैरायटीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ इंडियन वैरायटी है वह अल्टरनेट बियरिंग, यानी इनमें एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। इसके अलावा सेल्फ इनकॉम्पेटिबल यानी स्वयं असंगतता की स्थिति पाई जाती है, यानी जो प्लांट है उसके अंदर फ्लावर में मेल और फीमेल पोर्शन होते हुए भी वह अपना स्वयं परागण नहीं कर पाता है, तो यही सेल्फ इनकॉम्पेटिबल स्थिति होती है। तो नॉर्थ इंडियन जो वैरायटी है उनके एग्जाम्पल हम देखें तो बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी और लंगड़ा, यह चारों जो वैरायटी है वह नॉर्थ इंडियन के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स, जो ये दशहरी वैरायटी है, दशहरी वैरायटी रतालू और बॉम्बे ग्रीन वैरायटी के साथ क्रॉस कॉम्पेटिबल होती है, यानी रतालू और बॉम्बे ग्रीन जो वैरायटी है उसके साथ दशहरी संगतता रखती है। अब आते हैं साउथ इंडियन वैरायटी। तो साउथ इंडियन वैरायटी के अंतर्गत आने वाली किस्में हैं बंगनपाली, बेंगलोरा, बेंगलोरा जिसे तोतापुरी के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा नीलम, स्वर्ण रेखा, पेरी, पेरी जिसे हम पेटी के नाम से भी जानते हैं, मलगोआ, बदामी, बदामी यानी अल्फोंसो। तो यह सभी साउथ इंडियन रेगुलर बियरिंग वैरायटी है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि रेगुलर बियरिंग वैरायटी कौन सी है, तो हमारे सामने ऑप्शन है यह जो अल्फोंस है, स्वर्णरेखा है, नीलम है, बैंगनपाली है। इसी तरह अगर सेल्फ इनकॉम्पेटिबल वैरायटी का एग्जांपल पूछा जाए तो सभी नॉर्थ इंडियन वैरायटी जो है वह सेल्फ इनकॉम्पेटिबल होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं ईस्टर्न रीजन वैरायटी, यानी ईस्टर्न इंडिया में ग्रोन की जाने वाली वैरायटी कौन सी है, हिमसागर, फजली, जरदालू, कृष्ण भोग, गुलाब खास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग वैरायटी दी जा रही है, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी है जो कि सभी रीजन में ग्रोन की जाती है। अब देखते हैं वेस्टर्न रीजन की वैरायटी, तो वेस्टर्न साइड में ग्रोन की जाने वाली वैरायटी है केसर, राजापुरी, मलकुराट और जमादार। अब देखते हैं वैरायटी अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोनी, यानी पोली एम्ब्रियोनी और मोनो एम्ब्रियोनी। तो फ्रेंड्स, मोनो एम्ब्रियोनिक और पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी कौन सी होती है? मोनो एम्ब्रियोनिक का मतलब ऐसी वैरायटी जिसमें सिंगल सीड से सिंगल सीडलिंग का ही डेवलपमेंट होता है, तो वह मोनो एम्ब्रियोनिक वैरायटी है। और पॉली एम्ब्रियोनिक का मतलब है ऐसी वैरायटी जिसमें सिंगल सीड से 2 to 3 सीडलिंग डेवलप होती है, तो वह पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी है। तो फ्रेंड्स, मोनो एम्ब्रियोनिक वैरायटीज के अंतर्गत आने वाली जितनी ये नॉर्थ इंडियन जितनी भी वैरायटी है वह सभी मोनो एम्ब्रियोनिक है, यानी लंगड़ा, दशहरी, चौसा, बॉम्बे ग्रीन यह सभी मोनो एम्ब्रियोनिक है। लेकिन पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी कौन सी है? साउथ इंडियन जो वैरायटी है वह पॉली एम्ब्रियोनिक है। इसके एग्जाम्पल हम देखें मलगोआ, ओलोर, बप्पाकाई, बेल्लारी, चंद्रकरण, सोलन, गोवा, कुरुकान, वेलाइकोम्बल, नेकारी, पीच, प्रायर, स्टार्च। इस पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटीज के अंदर अदर वैरायटी में अगर हम देखें तो EC95862, कैंसिंगटन, किशनर, मालवीया भोग, मोवंडर और माइले पेलियन जो है वह सभी पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी है, यानी यह सभी साउथ इंडियन वैरायटीज है। अब देखते हैं एक्सपोर्ट वैरायटी और एक्सोटिक वैरायटी। एक्सपोर्ट यानी जो वैरायटी निर्यात की जाती है, बाहर भेजी जाती है इंडिया से, और एक्सोटिक माने जो फॉरेन कल्टीवर्स है, विदेशी वैरायटीज़ है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोर्ट वैरायटीज। तो एक्सपोर्ट वैरायटीज का नाम लेते ही हमारे सामने कौन सी वैरायटी आती है, अल्फोंसो। तो फ्रेंड्स जो अल्फोंसो है वह एक एक्सपोर्ट वैरायटी तो है, लेकिन यह है स्पॉन्जी टिश्यू ससेप्टिबल है, यानी स्पंजी टिश्यू की प्रॉब्लम इसमें पाई जाती है। इसके अलावा जो केसर वैरायटी है वह भी एक्सपोर्ट वैल्यू रखती है, इसके साथ ही इसमें गुड प्रोसेसिंग क्वालिटी पाई जाती है। और अदर एक्सपोर्ट वैरायटीज में देखें तो जो लाखन भोग है, सफदर पसंद है, गुलाब खास है, वह भी एक्सपोर्ट वैरायटीज के अंतर्गत आती है, यानी यह सभी किस्में जो है एक्सपोर्ट की जाती है। अब देखते हैं एक्सोटिक वैरायटीज। एक्सोटिक जो वैरायटीज है यानी जो फॉरेन कल्टीवर्स है, यह सभी कलर्ड मैंगो वैरायटीज है, यानी यह जो वैरायटी है यह अपने कलर के लिए फेमस है, क्योंकि जितनी भी इंडियन मैंगो कल्टीवर्स है उनके अंदर प्रॉपर जो कलर डेवलपमेंट या जो स्किन की शाइनिंग है वह कम है, तो इन सबको इम्प्रूव करने के लिए ही यह एक्सोटिक वैरायटी जो है इंट्रोड्यूस की गई है इंडिया में। तो यह जो एक्सोटिक वैरायटी है यह इंट्रोडक्शन भी है। तो यहाँ पर इन एक्सोटिक वैरायटी को देखें तो इसके अंतर्गत आने वाली वैरायटी है टोमी एटकिंस, हाइडन, जिलेट, सेंसेशन, जूली, यह मियामी साउथ फ्लोरिडा यूएस यूनाइटेड स्टेट से लाई गई वैरायटी है। इसी तरह जो स्वीट वैरायटी है मैंगो की वह थाईलैंड से इंट्रोड्यूस्ड की गई है, और अमोली जो है वह बेल्जियम से इंट्रोड्यूस्ड एक्सोटिक वैरायटी है। अब नेक्स्ट अपने आते हैं वैरायटीज के अंतर्गत है डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। तो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज में अगर हम देखें तो मैंगो माल फॉर्मेशन रेजिस्टेंट वैरायटी है बहादुरान, एलिब और इलायची। इसी तरह पाउडरी मिल्डू रेजिस्टेंट वैरायटी है लाल सिंधूरी। और लास्ट है विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी। तो विल्ट एक फंगल डिजीज है जो सेराटोसिस्टस फिम्ब्रिकाटा के द्वारा होती है, तो इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी है IAC 100 बर्बन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी को देखने के बाद अब हम देखेंगे म्यूटेंट और ड्वार्फ वैरायटी। म्यूटेंट वैरायटी के अंतर्गत आती है रोजिका, IAC 100 बर्बन फ्रॉम बर्बन और डेविस हेडन। तो फ्रेंड्स यह सभी म्यूटेंट वैरायटीज है, यानी उत्प्रेरण से बनी हुई किस्में हैं। और ड्वार्फ वैरायटी में देखें तो मैंगो में जो रूमानी वैरायटी है वह एक ड्वार्फ वैरायटी है, जिसमें कि एप्पल शेप के फ्रूट पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स हमने पिछली क्लास में हाइब्रिड्स देखे थे, तो यहाँ पर हम जो चार पांच रिमेनिंग हाइब्रिड है उनको देखेंगे। तो इसमें है नीलुद्दीन। नीलुद्दीन जो है नीलम इंटू हिमायुद्दीन का क्रॉस है। इसी तरह नेक्स्ट है नील गोवा। तो नील गोवा जो है नीलम इंटू यरामल गोवा का क्रॉस है। और इसी तरह फिर नेक्स्ट आता है स्वर्ण जहांगीर। स्वर्ण जहांगीर जो वैरायटी है वह चाइना स्वर्ण रेखा और जहांगीर के क्रॉस से निर्मित हाइब्रिड है। इसी तरह सुंदर लंगड़ा जो है लंगड़ा इंटू सुंदर पसंद का क्रॉस है। और लास्ट है अला फजली जो है इसे राफेंद्रा मैंगो 2 के नाम से जाना जाता है। यह अल्फोंसो इंटू फजली का क्रॉस है। तो फ्रेंड्स ये जो क्रॉस होते हैं इनको क्रॉस का अगर हम आप नाम को समझोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस किस का क्रॉस है, अगर आपको वैरायटीज के नाम याद है। जैसे नीलुद्दीन है, नीलुद्दीन यानी नीलम इंटू हिमायुद्दीन। तो यह कोई विशेष मुश्किल नहीं है अगर आप इसको ध्यान से देखते हो। अब देखते हैं हम मैंगो के अंतर्गत आने वाले इंट्रोडक्शन सेलेक्शन और क्लोनल सेलेक्शन को। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर अलग अलग कैटेगराइज इसीलिए किया गया है ताकि आप इजीली इसको याद कर सको, क्योंकि एक साथ सभी वेराइटीज़ को याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको इनकी हेडिंग ध्यान है तो आपको ये सभी वेराइटीज़ याद आ जाएगी। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में कौन सी पढ़ी, सेलेक्शन और क्लोनल सेलेक्शन में कौन सी पढ़ी। तो अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन होता क्या है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जब किसी वेराइटी को ऑन एनवायरनमेंट से न्यू एनवायरनमेंट में स्टैब्लिश किया जाता है।
यानी हम अगर इस बात को इस तरह से समझे कि कोई वैरायटी हिमाचल प्रदेश में ग्रोन की जाती है, वहाँ पर यह पहले से ग्रोन किया जा रही है, लेकिन उसी वैरायटी को अगर हम कोटा या हनुमानगढ़ या कहीं भी आप इसको लगाते हैं, तो उस नए स्थान पर लाकर उसको स्थापित करना ही इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो अमोली जो है बेल्जियम से लाई गई वैरायटी है, इसी तरह हेडन, जूली, टॉमी, जिलेट, यह सब मियामी फ्लोरिडा यूएसए से लाई गई वैरायटी है। इसी तरह एल्डोन जो है वह भी ब्राज़ील से लाई गई वैरायटी है, और स्वीट जो है थाईलैंड से लाया गया इंट्रोडक्शन है। अब अगर हम सेलेक्शन में देखें तो सेलेक्शन में सेलिब्रेशन जो है वह एक चांस सीडलिंग सेलेक्शन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अननोन पेरेंट से लिया गया है। इसी तरह जो पूसा सूर्या है वह एल्डन से लिया गया सेलेक्शन है, और इसी तरह सुंदरेजा जो है वह FRS रेवा मध्य प्रदेश से सेलेक्ट किया गया सेलेक्शन है। FRS यानी फ्रूट रिसर्च स्टेशन। अब देखते हैं क्लोनल सेलेक्शन। क्लोनल सेलेक्शन में आता है दशहरी 51। दशहरी 51 जो है वह CISH लखनऊ में दशहरी से लिया गया क्लोनल सेलेक्शन है। इसी तरह जो कॉर्डोज मनकुरैड है वह गोवा मनकुरैड से लिया गया क्लोनल सेलेक्शन है। और लास्ट में आता है निरंजन। निरंजन भी एक क्लोनल सेलेक्शन है, जिसे कि परभानी महाराष्ट्र में सेलेक्ट किया गया था। अब देखते हैं ऑफ सीजन वैरायटीज और इम्प्रूव्ड वैरायटी। तो ऑफ सीजन वैरायटीज में आता है मधुलिका और निरंजन। तो फ्रेंड्स, ये जो निरंजन है इसे प्रभानी महाराष्ट्र में सेलेक्ट किया गया है। अब देखते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटीज। तो इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं, इसमें आप जितनी रिमेनिंग वैरायटी है, जैसे कि फजली, गुलाब खास, हिम सागर, इमाम पसंद, केसर, किसान भोग, या जो किशन भोग है, मनकुराड, मलगोआ, पेरी, स्वर्ण रेखा, वनराज, जरदालू, सफेदा, तो यह सभी वैरायटी जो है इम्प्रूव्ड कल्टीवर्स के अंतर्गत आती है। अब हम देखेंगे रूट स्टॉक के लिए काम में ली जाने वाली वैरायटी। तो फ्रेंड्स, जो गोरमन 1 है और टर्पेंटाइन जो वैरायटी है वह साल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक होती है। इसी तरह कुरुकान जो वैरायटी है वह पॉली एम्ब्रियोनिक साल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक वैरायटी है। इसी तरह ओलोर जो है वह एक विग्रस कल्टीवर है। और नेक्स्ट है 13-1, यह एक चांस सीडलिंग है, पॉली एम्ब्रियोनिक साल्ट टॉलरेंट वैरायटी है। और इसी तरह लास्ट आता है विलाईकोम्बन। विलाईकोम्बन जो है वह एलो पॉलीप्लॉयड ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। तो फ्रेंड्स, यह सभी वैरायटी जो है वह रूट स्टॉक यानी मूल रंत तैयार करने के उद्देश्य से सर्वोत्तम मानी जाती है। तो रूट स्टॉक के लिए कौन कौन सी वैरायटी है? गोरमन 1, टर्पेंटाइन, कुरुकान, ऑलोवर, 13-1 और वेलाई कॉम्बन। इसी तरह नेक्स्ट, अब अगर हम इसमें रूट स्टॉक में देखें तो पॉली एम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक वेराइटीज़ को देखेंगे। तो पॉली एम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक वेराइटीज़ में हम दो तरह की वेराइटी को देखेंगे। एक तो वो है वेराइटी जो कि अब्रोड से ली गई है, और एक ऐसी वेराइटी जो कि इंडियन वेराइटी है। तो सबसे पहले हम अब्रोड से ली गई वेराइटीज़ को देखेंगे। तो इसमें है सैगन, सैबरे, स्ट्रॉबेरी, साइमंड, सोलन, टर्पेंटाइन, एप्रिकोट, पिको, बप्पाकाई, कैराबाओ, कम्बोडियाना। तो फ्रेंड्स, यह सभी पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी है जो कि अब्रोड से ली गई है। इसी तरह अगर हम इंडियन वेराइटीज़ को देखें जो कि पॉली एम्ब्रियोनिक है और रूट स्टॉक की तरह काम में ली जाती है, तो उसमें आता है चंद्रकरण, गोवा, कुरुकान, हिगिन, मलगोआ, नीलेश्वर ड्वार्फ, पेरी, वेलाईकुम्मन, बप्पाईकाई, ओलोर, सलीम, बेल्लारी, माइले पेलियम। अब फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं अर्ली, मिड और लेट सीजन वैरायटी। तो फ्रेंड्स, अर्ली वैरायटीज के एग्जांपल है अल्फोंसो, केसर, बॉम्बे ग्रीन। तो यह जो बॉम्बे ग्रीन वैरायटी है इसे यूपी में मालडा के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली में इसे सहरोली के नाम से जाना जाता है।
तो फ्रेंड्स यह जो बॉम्बे ग्रीन वैरायटी है यह दशहरी के लिए बेस्ट पोलिनाइजर की तरह काम करती है, लेकिन यह जो बॉम्बे ग्रीन है यह मैंगो माल फॉर्मेशन के लिए मोस्ट ससेप्टिबल वैरायटी है, यानी बॉम्बे ग्रीन वैरायटी के अंदर मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब देखते हैं मिड सीजन वैरायटी, तो मिड सीजन वैरायटी की एग्जाम्पल है लंगड़ा और दशहरी। इसी तरह लेट सीजन वैरायटी, लेट सीजन वैरायटी यानी जिसके जो मैंगो है वह जुलाई अगस्त तक भी आते रहते हैं, तो लेट सीजन वैरायटी के एग्जाम्पल है नीलम, फजली, चौसा, कंचन और रामकेला। तो फ्रेंड्स अर्ली, मिड और लेट सीजन वैरायटी से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जितनी भी आपको वैरायटी की प्रोवाइड की जा रही है वह सभी इम्पोर्टेंट वैरायटी है और किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछी गई है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट वैरायटी एंड देयर करेक्टरिस्टिक। तो फ्रेंड्स हमने पिछले बहुत सारी वैरायटी को हमने स्टडी कर लिया है, हाइब्रिड वैरायटीज को हमने भी पिछली क्लास में देखा था। अब यहाँ पर जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी है उनके हम करेक्टर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स जो अनुपम वैरायटी है मैंगो की वह एक ड्वार्फ इंटरस्ट्रोक की तरह काम करती है। इंटरस्ट्रोक क्या होता है, जो रूट स्ट्रोक, ये रूट स्ट्रोक होता है और साइन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम रूट स्ट्रोक और साइन काम में लेते हैं, तो रूट स्ट्रोक और साइन के बीच में कंपेटिबल कंडीशन लाने के लिए एक और पीस ऐड किया जाता है, तो वही इंटरस्ट्रोक होता है। तो यह जो अनुपम है वह ड्वार्फ इंटरस्ट्रोक है। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी आम्रपाली और बॉम्बे ग्रीन है, यह दोनों वैरायटी क्या है, माल फॉर्मेशन ससेप्टिबल है। यानी अगर ज़्यादा देखें तो बॉम्बे ग्रीन जो है इसमें सबसे ज़्यादा माल फॉर्मेशन की समस्या पाई जाती है, लेकिन आम्रपाली जो है इसमें भी यह समस्या पाई जाती है। इसके अलावा स्पंजी टिश्यू ससेप्टिबल वैरायटी को अगर हम देखें तो इसमें आने वाली वैरायटी है अल्फोंसो, वनराज, फर्नाडीन, स्वर्णरेखा, वेलाई, कोलंबन। तो फ्रेंड्स यह सभी वैरायटी स्पंजी टिश्यू ससेप्टिबल होती है। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी है तोतापुरी रेड स्मॉल। तो यह जो तोतापुरी रेड स्मॉल वैरायटी है इसे केजिंग टेक्निक में तोतापुरी रेड स्मॉल की जो बीक होती है उसको एज ए जेनेटिक मार्कर की तरह काम में लिया जाता है। अब अगर नेक्स्ट वैरायटीज के अगर एग्जांपल देखें तो अल्फोंसो, अल्फोंसो एक प्रोसेसिंग वाली एक्सपोर्ट वैरायटी है, यानी अल्फोंसो में प्रोसेसिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, यह एक्सपोर्ट वैरायटी है, लेकिन इसमें स्पंजी टिश्यू की प्रॉब्लम पाई जाती है। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी है दशहरी। तो फ्रेंड्स दशहरी के अंदर टेपर टिप और नेक्रोसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है, नेक्रोसिस यानी उत्तकशय। लेकिन यह जो दशहरी वैरायटी है वह बॉम्बे ग्रीन और चौसा के लिए बेस्ट पोलिनाइजर का काम करती है। नेक्स्ट वैरायटी आती है आम्रपाली। तो फ्रेंड्स आम्रपाली जो है उसे एक ड्वार्फ साइन की तरह काम में लिया जाता है, और आम्रपाली में ट्राइंगल प्लांटिंग सिस्टम में 2.5 × 2.5 मीटर स्क्वायर की डिस्टेंस पर 1600 प्लांट पर हेक्टेयर लिए जा सकते हैं। इसी तरह जो पूसा अरुणिमा वैरायटी है, अरुमिना जो वैरायटी है उसे यूएसए वैरायटी के नाम से भी जाना जाता है, यह लाल सिंदूरी वैरायटी है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है लंगड़ा वैरायटी। तो लंगड़ा जो वैरायटी है उसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर पाए जाते हैं, इसके अलावा इसके अंदर टर्पेंटाइन फ्लेयर पाई जाती है, लेकिन लंगड़ा वैरायटी के अंदर हाईएस्ट फ्रूट ड्रॉप पाया जाता है। तो फ्रेंड्स लंगड़ा से रिलेटेड यह क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आप जरूर देखोगे, यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर कौन सी वैरायटी में है, तो लंगड़ा में है। हाईएस्ट फ्रूट ड्रॉप किस में पाया जाता है, तो लंगड़ा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं मलगोआ। तो मलगोआ एक ऐसी वैरायटी है जो इंडिया में मोनो एम्ब्रियोनिक है, लेकिन फ्लोरिडा के अंदर यह पोली एम्ब्रियोनिक नेचर दिखाती है। और इसी तरह जितने भी फ्लोरिडा की कलर्ड वैरायटी है वहाँ यह कलर्ड वैरायटीज की मदर है,
यानी जितनी भी कलर्ड वैरायटी डेवलप की गई है फ्लोरिडा में वह इसी मलगुआ से डेवलप की गई है। फिर आते हैं दशहरी, तो दशहरी जो है उसके अंदर हाई फ्रूट रिटेंशन पाया जाता है, मोस्ट पॉपुलर नॉर्थ इंडियन वैरायटी है। तो फ्रेंड्स ये जो दशहरी वैरायटी है इसको 3 × 2.5 मीटर स्क्वेयर प्लांटिंग डिस्टेंस रखते हुए हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंदर 1333 प्लांट पर हेक्टेयर लिए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट वैरायटी अगर हम देखें तो इसमें आती है रुमानी। रुमानी जो है वह दशहरी के अंदर ड्वार्फिंग इफेक्ट लाने का काम करती है। जो रुमानी है उसके अंदर लोवेस्ट परफेक्ट फ्लावर पाए जाता है। इसी तरह ओलोर जो वैरायटी है वह लंगड़ा और हिमसागर के अंदर ड्वार्फिंग इफेक्ट रखता है। और नेक्स्ट है वेलाइकोलंबन। वेलाइकोलंबन जो है वह अल्फोंसो के अंदर ड्वार्फिंग इफेक्ट रखती है। वेलाइकोलंबन जो है वह एक ऑक्टोप्लाइड वैरायटी है, यानी इसमें 2n = 8x = 80 क्रोमोजोम नंबर पाया जाता है। इसी तरह मैंगो की जो जेवियर वैरायटी है उसमें हाईएस्ट TSS पाया जाता है जो कि 24 डिग्री ब्रिक्स तक होता है। अब यहाँ पर ये जो वैरायटी आप देख रहे हो वह दशहरी वैरायटी है। अब आता है नेक्स्ट वैरायटी चौसा। तो चौसा जो है स्वीटेस्ट वैरायटी है। इसी तरह केसर वैरायटी है वह प्रोसेसिंग के लिए जानी जाती है। रोजी का एक म्यूटेंट है और इसके अलावा एक्सपोर्ट पर्पस में अगर हम देखें तो अल्फोंसो के अलावा गुलाब खास, सफदर पसंद, लाखन भोग यह भी एक्सपोर्ट वैल्यू रखते हैं। और फ्रेंड्स ये जो साई सुगार्था वैरायटी है वह मालफॉर्मेशन से फ्री वैरायटी है। अब नेक्स्ट आते हैं मधुलिका। तो मधुलिका एक मोस्ट प्रिकॉशियस वैरायटी है, यानी इसमें फलन जो है समय से पहले होने लग जाता है, यानी समय से पहले पकने वाली एक किस्म है। इसी तरह नीलम जो है, नीलम एक लॉन्ग ट्रांसपोर्टेबल वैरायटी है, यानी इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक हम इसका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इसको सिंगल ईयर के अंदर हम इसकी 2 क्रॉप ले सकते हैं और यह एक बेस्ट कंबाइनर की तरह काम करती है, यानी हाइब्रिडाइजेशन में यह एक अच्छी या सर्वोत्तम वैरायटी मानी जाती है। इसी तरह सिंधु वैरायटी जो है वह एक सीडलेस वैरायटी है और इसमें जो सीडलेसनेस है वह स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पिक के कारण होता है। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी है मल्लिका। मल्लिका एक ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर हाईएस्ट विटामिन ए पाया जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी अक्षय। तो अक्षय जो है वह दशहरी से लिया गया सेलेक्शन है। अब देखते हैं फ्रेंड्स स्पंजी टिश्यू फ्री वैरायटीज। तो इसके अंतर्गत आने वाली वैरायटी है रत्ना, अर्का पुनित, अर्का अरुणा। अर्का अरुणा जो है वह एक ड्वार्फ वैरायटी है। इसके अलावा अर्का अनमोल, अर्का नीलकिरण यह सभी वैरायटी जो है स्पंजी टिश्यू फ्री वैरायटी है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने सभी वैरायटीज़ को कवर कर लिया है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।